हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है मैक्सिकन बीन सैलेड। बीन यहाँ पर किडनी बीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम इंडिया में राजमा कहते हैं, यानी लाल राजमा। ये वेट लॉस में, मसल बिल्डिंग में, मसल गेन में, फिट रहने के लिए आप किसी भी फॉर्म में इस सैलेड को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये हाई प्रोटीन हाई फाइबर सैलेड है। रात को जब हम लो कार्ब्स रखना चाहते हैं अपने गोल के अचीव करने के लिए, तब हम इस सैलेड को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस में लेडीज़ या जेंट जो भी वेट लॉस के लिए हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हैं, हाई फैट फॉलो कर रहे हैं, वो इस डाइट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक हेल्दी फैट है। चलिए, इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 टीस्पून, आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, लेमन जूस 1 लेमन से लेंगे हम, लहसुन यानी गार्लिक 4 से 5 क्लोव्स, ऑरिगैनो ड्राइड 1 टीस्पून, रोस्टेड कमिन सीड्स यानी भुना हुआ जीरा 1/2 टीस्पून। अब हम सबसे पहले मैक्सिकन ड्रेसिंग बनाएंगे, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं ऑलिव ऑयल ले लूँगा 2 टीस्पून, और उसके अंदर मैं गार्लिक को क्रश करके जो है डालूंगा। गार्लिक हमेशा आप कभी भी किसी भी रेसिपी में जब भी यूज़ करें, हमेशा उसे क्रश करके यूज़ करें। मैंने आपको एक रेसिपी में बताया था कि इसके अंदर जो एंजाइम्स होता है, जब हम इसे क्रश करते हैं वो तभी रिलीज होता है, और इसका एरोमा और फ्लेवर भी तभी आता है जब हम इसे क्रश करके यूज़ करते हैं। तो ऑलिव ऑयल में आप गार्लिक ऐड ऑन कीजिए। अब इसमें हम अपना ऑरिगैनो, कमिन सीड्स जो कि रोस्ट की है मैंने, वो ऐड करेंगे, और लेमन जूस 1 लेमन का हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं सैलेड के अदर इंग्रेडिएंट्स की। इसके लिए मुझे चाहिए राजमा बॉइल्ड 1 कप, ग्रीन स्प्रिंग अनियन यानी हरे प्याज 4 से 5, टोमेटो 1 पीस, येलो एंड रेड कैप्सिकम 1/2 ईच, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया कुछ पत्ती, कॉर्न 1/2 कप। कॉर्न को हम बॉइल कर लेंगे। अब मैं अपनी वेजिटेबल्स को फाइन चॉप्ड कर लेता हूं, सभी वेजिटेबल्स को। कॉर्न को बॉयल कर लेते हैं, 7 से 10 मिनट तक हम इसे बॉयल करेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब मेरे कॉर्न बॉयल हो गए, आप इसे निकाल कर हाथ से प्रेस कर देख सकते हैं
कि ये सॉफ्ट हो गए हैं। अगर ये सॉफ्ट हो गए हैं तो आप गैस बंद कर दीजिए, अदरवाइज थोड़ी देर और बॉयल कीजिए। ये मेरी सारी वेजिटेबल्स कट हो गई हैं। अब मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स जो चॉप्ड हो गई हैं इसको राजमा में मिक्स कर लूंगा। साथ में हम ऐड कर लेंगे अपने बॉइल्ड कॉर्न। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा अपनी जो मैक्सिकन ड्रेसिंग मैंने बनाई थी। तो इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बात करते हैं, हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, सफेद नमक और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हम इसमें एज पर टेस्ट ऐड ऑन करेंगे। तो ये मेरी राजमा बीन सैलेड, मैक्सिकन बीन सैलेड आपका ये रेडी हो गई है। आप इंजॉय कीजिए इसको। जो लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा गेन करना चाहते हैं और अपने प्रोटीन को ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो इसमें एग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप बॉयल्ड एग कर लीजिएगा। मैं इसमें 4 बॉयल्ड एग किए हैं, जिसमें से 2 का मैंने व्हाइट पोर्शन रखा है, 2 मैंने फुल एग लिए हैं, सो दैट मेरा प्रोटीन मेंटेन रहे और मेरा जो टोटल फैट कंटेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 येलो रिमूव कर दिए हैं। तो इस तरीके से एक ही सैलेड को हम डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, एंजॉय कीजिए मेरी मैक्सिकन बीन सैलेड, किडनी बीन राजमा सैलेड, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी सैलेड रेसिपी है और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी। थैंक यू गाइस।